अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारा प्यारा किचन। तो अगर हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हम बताएंगे, हम आज बना रहे हैं चिकन 65। तो ये हम उसके मसाले बताते हैं आपको सब। तो यहाँ पे मैंने ये आधा किलो से ज़्यादा मैंने ये बोनलेस ली हूँ, ये देखिए। तो अब इसके मसाले बताती हूँ मैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर ली हूँ। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कसूरी लाल मिर्च ली हूँ। यहाँ पे 1 अंडा ली हूँ और काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच ली हूँ। गरम मसाला ली हूँ मैंने 1 चम्मच। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच मैदा ली हूँ और यहाँ पे कॉर्नफ्लोर मैं 1 चम्मच डाल दूँगी, नमक स्वाद अनुसार। तो ये चले स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बनाने के जानिब चलते हैं हम। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट हमने एक ही में मिक्स कर दिए है, तो ये हम इसमें डाल देते हैं। ये 1 चम्मच हमने दोनों मिला के लिए है। इसमें डालेंगे ये गरम मसाला, तो ये गरम मसाला पाउडर, तो ये 1 चम्मच इसके नाप से मैं लेती हूँ, ये छोटा चम्मच है। ये लेते हैं 1 चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। ये लेते हैं धनिया पाउडर, मैंने थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा निकाली हूँ। तो ये कसूरी लाल मिर्ची पाउडर है, ये 2 चम्मच लेंगे। आप इसमें ऑरेंज फूड कलर भी मिला सकते हैं, रेड। यहाँ पे मैं डालती हूँ 1 अंडा। इसमें डाल दूँगी मैं मैदा, ये 3 चम्मच निकाली हूँ मैंने। अब यहाँ पे डाल दूँगी मैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार, नमक अपने हिसाब से लीजिए। अब इसको मिक्स कर दूँगी मैं। तो इसको मिक्स कर लेते हम। आप इसमें चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैदा डालना ही पड़ेगा अपने को। तो ये हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से, और इसको अभी हम आते हाथ धो के फिर इसकी तैयारी करते हैं। तो हमने इसको मिक्स कर चुके हैं, तो अभी इसकी तलने की तैयारी हम करते हैं। तो यहाँ पे तेल गरम करने रखी हूँ और तेल गरम हो गया हमारा। तो अब ये इसमें 1-1 पीस आराम से डालेंगे। तो दूर दूर डालेंगे ताकि ये एक दूसरे को चिपके नहीं, बस इस तरह से। इसी तरह से हम सबको बना लेंगे। तो देखिए अब इसको हम देखते हैं, पलटा देते हैं इसको। ये अच्छे क्रिस्पी से फ्राई हो रहे हैं हमारे पकोड़े। तो हम आपको एक बताना भूल गए थे, मैंने नींबू का रस डालना भूल गई थी। तो मैंने अभी इसमें बचे हुए में मैंने 1 मीडियम साइज़ का नींबू का रस मैंने ऐड करी हूँ। सो मिक्स कर दी डाल के। ये देखिए कितने अच्छे पकोड़े बन रहे हैं। तो ये देखिए पक चुका है ये। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया और कितने अच्छे से ये बन गया है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये, क्रिस्पी सा और कितना मस्त दिख रहा है ये। तो अभी हमने गैस सिलो पे इसको बनाए ले हैं। अब इसको हम निकाल देंगे, बाकी का जो बचा है उसको भी हम सब निकाल लेते हैं। तो दूसरे भी अभी हम इसी में डाल देंगे, अभी इसको निकालेंगे फ्राई करके। यहाँ पे गैस हमने थोड़ी फास्ट की है क्योंकि सिलो था जब से। तो दूर दूर इसको भी हम डालेंगे जैसा उसको बनाए थे, बस इसी तरह से ये सब इसमें अभी शामिल कर देंगे, थोड़ा सा ही बचा है। तरफ से सीखे गया है ये, तो इसको पलटाते हैं हम। देखिए कैसे अलग अलग हो गए ले सब पकोड़े हमारे। तो बस इसको भी एक तरफ से और बना ले, तल लेंगे फिर इसको हम निकालेंगे, बाकी की फिर तैयारी करते हैं हम। तो देखिए ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो गए ले। गैस हमने सिलो पे ही बनाए ले इसको, हमने गैस फास्ट नहीं किए हैं। बस डालने के टाइम हम जरा इसको फास्ट किए थे क्योंकि तेल ठंडा हो गया था,
तो अभी हम इसको निकाल देते हैं। ये बन गए सारे क्रिस्पी, मस्त एकदम मज़े के फ्राई हो गए हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं ये, तो हम इसको भी निकाल देते हैं। तेल छान लेते हैं इसका पूरा अच्छी तरह से, तो बस इसी तरह से फिर बाकी का हम बताते हैं आपको इसकी बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने गैस जला के दूसरा बर्तन रखी हूँ, तो इसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल दूँगी। तो अभी हम इसके सॉस की तैयारी करते हैं। तो ज़रा से हमने तेल डाले आधा चम्मच के करीब, तो गैस को थोड़ा हाई करते हैं। तो अभी हम ये डालेंगे इसमें कड़ी पत्ते, बहुत सारे लेंगे कड़ी पत्ते। इसमें डालेंगे सूखी 3 लाल मिर्ची, इसमें डालेंगे हम लहसुन का पाउडर, आप थोड़ा लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं या कुटा हुआ बारीक चॉप किया हुआ वो भी डाल सकते हैं। लहसुन बारीक चॉप करके, तो ये यही चम्मच के नाप से मैंने एक चम्मच ली हूँ। इसे मिक्स कर लेते अच्छी तरह से। गैस हमने फिर से लो किए हैं, अभी ये सॉस डालते हैं हम इसके अंदर सब। सारे सॉस जो हमने ये टमाटर केचप ली हूँ मैंने, तो ये 3 चम्मच है ये। अब इसमें मैं डालूँगी ये टमाटर केचप। गैस स्लो है हमारा, इसमें डालूँगी ये चिल्ली सॉस, तो ये भी 1 चम्मच के करीब डालेंगे। इसमें डालेंगे ये थोड़ा सा, मैंने ऑरेंज रेड कलर ली हूँ, थोड़ा से ली हूँ मैंने, ज़रा से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसमें डालूँगी अभी थोड़ा पानी, थोड़ा सा यहाँ पे नमक डालेंगे, थोड़ा सा चिकन में हमारे नमक है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। गैस स्लो रखे हैं हमने, अब ये जो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे हम। थोड़ा गैस हाई कर देते हैं यहाँ पे। थोड़ा इसका पानी ड्राई होने देते थोड़ा सा, क्योंकि हम इसमें चिकन शामिल करने का, हमें देखिए पानी थोड़ा ड्राई हो गया। अब ये चिकन को हम इसमें डाल देते हैं। गैस को हमने थोड़ा सा लो कर दिए ले गैस को हमने थोड़ा स्लो कर दिए हैं यहाँ पे, ताकि ये सॉस इसमें अच्छी तरह से लग जाए पूरा। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा हाई करके गैस को फास्ट करके इसको उतार लेंगे। बस ये बन गया हमारा, अब इसको हम गैस बंद कर देते और हम आपको डिसआउट करके दिखाते, इसको प्लेटिंग करके दिखाते। इसका सारा पानी ड्राई हो गया है, तो ये देखिए ये बन गया। अब यहाँ पे हम गैस बंद कर देते हैं। तो ये हमने गैस बंद कर दिए हैं, अब ये हम इसको इसमें पूरा डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितना मज़े का बन गया ये हमारा चिकन 65। तो है ना ये इजी और मज़े की डिश, तो आप भी ज़रूर इसे घर में बनाइए। तो अभी हम इसके ऊपर थोड़ी हरी धनिया डालते हैं इसको खूबसूरती देने के लिए। ये हमारी धनिया से इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए ये बन गया चिकन 65। तो यहाँ पे हम रखते हैं 1 नींबू का टुकड़ा। तो ये रेसिपी हमारी आप लोगों को कैसी लगी है, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।